Hello everyone and a very warm welcome to Meet Now, your very own NCRT destination. अब बची हैं बस दो last families, उसमें से आज एक हम आखिरी पकड़ने जा रहे हैं right now, which is Solanaceae. ठीक है, Solanaceae आपकी आलू की, ब्रिंजल की, मकोई की family. So hop on and let's complete morphology of flowering plants. ठीक है, I hope subscribed हैं and I hope you have also subscribed, press the bell icon ताकि जब भी notification आए आप तक आ जाए. Now this is what a You can say कि a potato plant looks like, है ना, कि जो हमारा प्यारा सा आलू है. ठीक है, हम मतलब अगर हम इंडिया में एटलीस्ट सोचें, वी कैन नॉट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट, मतलब आलू इज वन ऑफ द प्राइम थिंग्स दैट हम लोगों की सब्जियों में रहता है या डेलिकेसीज में रहता है. तो चलिए इसी की फैमिली पढ़ेंगे हम, फैमिली Solanaceae. It is a large family commonly called as the potato family. बेचारी फैमिली का नाम ही आपका पोटैटो फैमिली है ना, मतलब उसको कहते ही हैं कि दिस इज योर पोटैटो फैमिली, आलू की फैमिली. It is widely distributed in tropics, subtropics and even temperate zone. Tropical lands, जो आपके ट्रॉपिक नेशंस हैं, ट्रॉपिकल नेशंस ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना, इंडिया भी, सेम वेदर लाइक कंडीशन. सो ये एरियाज में आपको आलू बहुत प्रोमिनेंटली मिलेगा. ठीक है, मेक्सिको में, इवन नाउ, आई मीन हर जगह अगर बात करें तो पोटैटो तो इज ग्रोन एवरी सिंगल नेशन नाउ अडेज. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज, यानी कि आपके हर्ब्स और श्रब्स मिल जाएंगे. अगर आपने आलू को देखा है, सी इफ दिस पार्ट इज गोइंग इन साइड योर सॉइल, यानी बहुत ऊंचा या बहुत लंबा प्लांट जो है इसका नहीं होगा, छोटे ट्रीज होंगे, हर्ब्स होंगे एंड आपके श्रब्स होंगे. स्टेम हर्बेशियस, रेयरली वुडी, वुडी स्टेम आपको यहाँ पे बहुत बहुत रेयरली मिलेगी. एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, हॉलो और सॉलिड, हेयरी और ग्लैबरस, अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, सोलैनम ट्यूबरोसम. ठीक है, वी ऑल नो, जब हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ रहे थे, हमें पता है कि जो हमारा प्यारा आलू है, दैट इज योर स्टेम, इट्स नॉट रूट. ट्यूबर कहते हैं, अगर याद हो, है ना, बताया था मैंने आपको. सो ट्यूबर. Now, what happens is कि आपका जो स्टेम का डिस्क्रिप्शन है, स्टेम यहाँ पे दिख रही होगी क्लियरली. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि रेयरली वुडी है, येस इट इज हर्बेशियस मोस्ट ऑफ द टाइम. सेकेंड, एरियल है, ऑब्वियसली आपकी जो सॉइल है, मैंने पहले कहा यहां तक आपकी ये जो है, दिस इज सॉइल, यहां से ये आपका ऊपर की तरफ उठेगा, राइट. सो ये एरियल पार्ट हो गया, तो आपकी एयर में है. इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल यानी इस तरीके से, जो हम पोटैटो की अगर स्टेम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, और ब्रांच्ड है तो इस तरीके से आ जाएगी. ठीक है, सॉलिड और हॉलो, हेयरी और ग्लैबरस, अंडरग्राउंड स्टेम, यहाँ पे आपकी अंडरग्राउंड स्टेम भी मार्क की जाएगी, स्पेसिफिकली इन योर प्यारा आलू. ठीक है, लीव्स ऑल्टरनेट, सिंपल, Rarely pinnately compound, exstipulate, venation is your reticulate. So, अगर इसकी veins की हम बात करें तो क्या कौन सी है, reticulate है, pinnately compound है, rarely, simple बहुत ज्यादा है. अगर आप देखोगे यहाँ पे, wait a minute, okay, ये अगर देखोगे, this is a potatoes plant, ठीक है, इसकी अगर आप leaves देखोगे, I hope this color is visible or otherwise I'll use some other color, okay, oh, here we go. इस तरीके से सिंपल है. ठीक है, इसमें कोई इंसिजन्स भी नहीं दिख रहे आपके, प्लस इट इज रेटिकुलेट वेनेशन, नेटवर्क्स ऑफ लीव्स जो है, ठीक है, सिंपल है, रेयरली पिनेटली कंपाउंड. व्हाट इज पिनेटली कंपाउंड, बता चुकी हूं मैं, कमेंट करके मुझे बताइए, अगर आप पढ़ रहे हो तो कम से कम मुझे भी पता चले दैट यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग सो दैट आई कैन टेक इट फर्दर. ठीक है, सो दिस इज रेयरली पिनेटली कंपाउंड. नाउ नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला, दिस इज योर फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ Solanaceae, इन जनरल फ्लोरल फॉर्मूला. ठीक है, सबसे पहले जो हमको देखना है वो है इनफ्लोरेसेंस, सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोज एज इन सोलैनम. साइमोज का यहां था बेसिपेटल, यानी आपके साइड से, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है आपका फ्लावर आ जाएगा, सो ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगे, सो दिस वॉज योर साइमोज, ऊपर की तरफ से आपके फ्लावर्स आएंगे. फ्लावर इज बाइसेक्शुअल एक्टिनोमॉर्फिक. ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक दिस, बाइसेक्शुअल
right? Actinomorphic, bisexual. Now, what do you understand by bisexual again? It means that anthers and carpel both are present in the flower. Yani ki it is a hermaphrodite flower. Hum log already discuss kar chuke hain hermaphrodite bisexual. Miss ho gaya hai, niche jana padega, videos dekhne padenge. Theek hai? So, yahan pe jo hum baat kar rahe hain ki actinomorphic. Actinomorphic again, ठीक है, कोई प्लेन में कट करें हमको टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे, सेंटर से पास होगा. सो दैट इज योर एक्टिनोमॉर्फिक. राइट, नाउ कैलिक्स सेपल्स आर 5 यूनाइटेड persistent, volvate and volvate estivation. अगर हमको कैलिक्स याद करना हो सोलैनम का, सो व्हाट यू हैव टू रियली रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर योर ब्रिंजल. ठीक है, क्यों ब्रिंजल में? क्योंकि कैलिक्स जो है आपका इट परसिस्ट्स. ठीक है, और ये जो कैलिक्स है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द कैलिक्स, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, 5 सेपल्स हैं. ठीक है, सो यू कैन ड्रॉ 5 इफ यू वांट टू रिमेम्बर. 5 सेपल्स हो गए आपके, K5 लिखा हुआ है हमने ऑलरेडी, वेरी गुड. यूनाइटेड परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मीनिंग तब भी जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने आपको कहा था कि जैसे आपका ब्रिंजल होता है, इस टाइप के आपके जो वेजिटेबल्स होते हैं इनमें, टोमेटोज में, ठीक है, टोमेटोज में अगर आपको याद हो, इस तरीके से टोमेटो होगा आपका. ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से आपका कैलिक्स जो है वो रहता है, परसिस्टेंट है. ठीक है, ये तो हम निकाल सकते हैं हाउएवर, बट ब्रिंजल में आपको रिमूव करना पड़ेगा, है ना, आसानी से नहीं जाता है. सो वो चीज थ्रू आउट द फ्रूट और वेजिटेबल्स लाइफ इफ नॉट रिमूव फोर्सिबली वो प्रेजेंट रहेगी. ठीक है, देन वाल्वेट. वाल्वेट यानी क्या था, अगर हम यहाँ पे बात करें, फिर रिमेंबर वाल्वेट हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, वी हैव डन ऑल काइंड ऑफ एस्टिवेशन आल्सो, सो प्लीज उसको याद करें, इजी हो जाएगा. पेटल्स ऑफ 5 इन कोरोला, इसीलिए हमारा सी जो है वो भी क्या लिखा है, 5. अच्छा, ये ऊपर एक लाइन दिख रही है, इसका मतलब है आपका जो आपकी कोरोला है और जो आपकी एंड्रोशियम है, दे आर समहाउ टुगेदर इन द वर्ल्ड, दे आर फ्यूज जॉइंट, यूनाइटेड वाल्वेट एस्टिवेशन. यहाँ पे भी आपकी कौन सी एस्टिवेशन है, वाल्वेट. एंड्रोशियम स्टेमेंस ऑफ 5 एपिपेटालस. एपिपेटालस मैंने कहा था व्हेन इट इज जॉइंट और फ्यूज्ड विद कोरोला तो हम उसको एपिपेटालस कहेंगे. कैलिक्स के साथ फ्यूज होगा तो एपिफाइलस कहेंगे. ठीक है, इफ आई कैन रिमेंबर दिस यू कैन रिमेंबर दिस, ट्रस्ट मी. गाइनोशियम इज बाइकार्पेलरी, बाय यानी 2 कार्पल्स. सिंकार्पस, सिंकार्पस क्या था, एपोकार्पस में दे वर नॉट फ्यूज्ड, लोटस को याद करो. टोमेटो में हमने पढ़ा था दे आर फ्यूज्ड, उसको हमने कहा था सिंकार्पस. सो यहाँ पे आपका जो गाइनोशियम है, व्हाट इज दैट, इट्स फ्यूज्ड, इट्स सिंकार्पस. ओवरी सुपीरियर, ठीक है, ओवरी जो है आपकी वो सुपीरियर है, चलिए वेरी गुड. बायलोक्युलर, 2 लोक्यूल्स हैं, ये सीड्स के लिए बता रहे हैं हमको. प्लेसेंटा सोलन विद मेनी ओव्यूल्स, इफ यू कट अ ब्रिंजल, ठीक है, अगर आप किसी ब्रिंजल को कट करोगे, ठीक है, इस तरीके से, तो आपने देखा होगा उसमें जो सीड की प्रेजेंस होती है वो कई सारे हैं और इस तरीके से मिलते हैं आपको. ठीक है, सो ये जो है, दिस इज योर समवेयर डाउन द लेन, जो आपकी प्लेसेंटेशन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, आपकी प्लेसेंटेशन को डिस्क्राइब कर रहा है. सी, व्हेनेवर यू कट फ्रूट्स, अगर आप इन सब चीजों पे भी ध्यान देने लग जाओगे कितना आसान हो जाएगा पढ़ना, है ना. सो यही चीजें याद रखनी है. फ्रूट्स बेरी और कैप्सूल, या तो बेरी कहलाते हैं इसके फ्रूट्स या फिर आपके कैप्सूल्स कहलाएंगे. ठीक है, सीड्स मेनी, एंडोस्पर्मस. नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू टॉक अबाउट एंडोस्पर्मस, यानी कि आपके जो कॉटिलेडॉन्स हैं, ठीक है, दे आर नॉट स्टोरिंग फूड. व्हाट इज स्टोरिंग फूड, इट इज योर एंडोस्पर्म. जो हमने मेज में मोनोपॉड सीड में बहुत डीपली जाके देखा था कि आपका जो मेज है दैट इज एक्चुअली स्टोरिंग योर फूड जर्मिनेशन के टाइम पे. तो यहाँ पे सीड्स जो है, अ नंबर ऑफ सीड्स आर देयर एंड दे आर ऑल एंडोस्पर्मस. ठीक है, एम्ब्रियो, रेडिकल, प्रिमल, शूट, सब याद रखना है. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटेटो. ठीक है,
स्पाइसेस, चिली, मिर्च भी आपके सोलेनेसी का हिस्सा है. मेडिसिन, बेलाडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी, टोबेको, ऑर्नामेंटल्स, पेटूनिया, ठीक है. सो ये आपके कौन है, सारे के सारे आपके सोलेनेसी को बिलोंग करते हैं. अगर आपको याद रखना है, आप याद रख लो कि सब्जी बनाते हैं, ठीक है, किसकी बनाते हैं, चले आलू 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 बैंगन की बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा टमाटर भी डाल दिया, मिर्च भी डाल दी. सो चार एग्जाम्पल तो पक्के हो गए आपके जो आपको याद रहेगा. बेलाडोना इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू होम्योपैथी, अ लॉट ऑफ यूजेस आर फाउंड इन दैट, ठीक है. अश्वगंधा आजकल तो जितना ज्यादा आयुर्वेद के ऊपर हो रहा है, अश्वगंधा is one of the you can say most common name that you can know of, that you can remember. So ashwagandha ho gaya, plus fumigated tobacco, theek hai. Tobacco ka naam kya hai solanum, comment karke mujhe bataoge ki tobacco ka naam kya hai, theek hai. What is the scientific name of tobacco? Ornamentals mein petunia, petunia is a beautiful flower jo aapko gharon mein aasani se mil jayega, theek hai. So aloo baingan और टमाटर की सब्जी में हमने मिर्च डाली, ठीक है. ये चार एग्जाम्पल तो आपके ऐसे ही याद हो गए. प्लस ऑर्नामेंटल में यू कैन रिमेम्बर पेटूनिया, राइट, टोबैको डिजीज कॉजिंग, ठीक है. एंड देन यू हैव टू मेडिसिनल प्लांट्स, वन इज बेलाडोना एंड द अदर वन इज अश्वगंधा, ठीक है. एंड हियर वी कंप्लीट ऑफ विद अ सोलेनेसी, द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. यहाँ ये चैप्टर अब बस एकदम खत्म हो चुका है. लास्ट हम लोगों को पढ़ना है लिलिएसी, वन ऑफ माय फेवरेट फैमिलीज, एंड आई लव द मेंबर्स ऑफ लिलिएसी. आई होप यू टू, उसका ही वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे, बट उसके वीडियो के देखने के लिए उस वीडियो को यू विल हैव टू डू वन थिंग, यू विल हैव टू सब्सक्राइब, ऑल्सो बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन जरूर आ जाए. आई विल सी यू अब, क्योंकि चैप्टर का बल्क खत्म हो चुका है, मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर इज डन, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग. अगर अभी तक नहीं किया है देन पिटाई होगी, ठीक है. स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट मेकिंग नोट्स, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाउ थिंग्स आर मूविंग अराउंड, हाउ थिंग्स आर गोइंग, इट बिकम easier for you, ठीक है. So start reading, start making notes, solve questions, ask questions, comment down below and let me know what are you up to, ठीक है. कोई और स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए सो प्लीज उसको कमेंट करके बताइए कि हमको ये चीज समझ नहीं आ रही है. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस इट आउट, ठीक है. आई विल सी यू सून विद लिली एसी, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू.